जैसा कि आप देख के समझ गए होंगे, ये बरबटी है। इसकी सब्जी बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। लेकिन आज यहाँ पे मैं, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो इसकी भजिया बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी भजिया बनती है इसकी। बस ध्यान रखें कि बरबटी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो, पतली वाली बरबटी हो, उसमें रेशे वगैरह बिल्कुल ना हो। तो इसके लिए मैंने बरबटी को यहाँ बारीक छोटा छोटा कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने दो आलूओं को भी स्लाइस में काट लिया है और दो प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। बस जैसे नॉर्मल सभी भजिया पकौड़ी हम लोग बनाते हैं, उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरे में थोड़ा सा बेसन ले लिया है। बेसन मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब लिया है, क्योंकि पहले हम इसमें आलू पकौड़ी बनाएंगे। तो इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं, मैंने अजवाइन नहीं डाला है। इसमें हींग डाला है, हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके एक अच्छा बैटर तैयार करेंगे, जैसे भजिया पकौड़ी का बैटर तैयार करते हैं। बारिश के मौसम में भजिया पकौड़ी चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग भी इस मौसम में एक बार बरबटी की भजिया ज़रूर ट्राई करिएगा। बैटर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जब तक बेसन अच्छे से फूल जाएगा। और 10 मिनट बाद देखेंगे, थोड़ा सा बैटर को फिर से चला लेंगे और हमने जो आलू कट करके रखे हैं उनको पहले फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमें शुरू में थोड़ा सा बैटर गाढ़ा ही चाहिए, ताकि आलूओं के ऊपर अच्छे से बेसन की कोटिंग हो जाए। आप चाहें तो केवल बरबटी की बस भजिया बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साथ में आलू की भी बनाई थी। तो आलू को इस तरह से हम बेसन में लपेट लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। इस तरह से एक एक आलूओं को हम इसमें डालते जाएंगे और बस इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर ही उलट पलट कर दोनों साइड से, जब तक आलू अच्छे से पक ना जाए, उनको फ्राई करेंगे। आलूओं को आप पतला पतला ही कट करिएगा, ज़्यादा मोटे ना करिएगा। बस इस तरह से थोड़ी देर में, 2 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। सेम बैटर में हम बारीक जो कटी हमने बरबटी रखी है उसको डाल लेंगे इस तरह से, और उसी के साथ प्याज डाल लेंगे। जितनी बारीक आप बरबटी को काट सकते हैं उतनी बारीक काटिएगा, क्योंकि इनको पकने में टाइम नहीं लगता है। ताज़ी और हरी है और सॉफ्ट मुलायम है। इसी के साथ मैंने 2 बारीक कटी प्याज डाल ली है और इनको अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे। बैटर को थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे हम, बस उस बरबटी और प्याज के ऊपर अच्छे से बेसन की कोटिंग हो जाए। अगर आपको गीला लगे बैटर तो थोड़ा सा बेसन और मिला सकते हैं। इस तरह से तोड़ के मैंने यह देख लिया है, अच्छे से ये टूट रही हैं। बस इनको हम अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े इसके तोड़ते जाएंगे ऑयल में, और इनको लो मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से हम डीप फ्राई करेंगे। एक एक भजिया अच्छे से तोड़ेंगे और बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल हमने इनको चिकना नहीं रखा है, तो इसमें साइड से जो किनारे रहेंगे तो उससे ही बहुत क्रिस्पी और क्रंची लगेंगी। और बस इसको फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई कर लेंगे और इस तरह से पलट पलट कर चारों तरफ से सेक लेंगे। ये बहुत जल्दी ही बन जाती है, बिल्कुल जैसे प्याज की भजिया बनाते हैं उसी तरह से। लेकिन इसमें हमने बीन्स डाला है तो इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस इस तरह से आलू पकौड़ी और मैंने यहाँ पे बरबटी की पकौड़ी तैयार कर ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तोड़ के अंदर तक प्याज और बरबटी अच्छे से पक गई है, बिल्कुल सॉफ्ट बरबटी थी। और मैंने इसके साथ में धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी। तो इस बारिश के मौसम में चाय के साथ आप गर्मा गर्म बरबटी और आलू की पकौड़ी इंजॉय करिए।